उजैफा भाई, आपने शारजा में वेयर हाउसेस को एक्सप्लोर किया, वहाँ पाकिस्तानी बिजनेस को कैसा पाया? मैंने ना बड़ा टाइम लगाया शारजा में, काफ़ी सारे मैंने चक्कर लगाए, अप डाउन किए, और वो जो वेयर हाउस की बड़ी वहाँ पाकिस्तान में हवा चली हुई है, जी अमेज़ोन का रिटर्न्स बिकेगा तो ये होगा तो वो होगा, तो मैं एक्सप्लोर करने गया कि ये हो कैसे रहा है, पूरी चेन क्या है इसकी। मैंने चेन निकाल भी ली है और वो चेन क्या है वो भी मुझे पता चल गया। तो वो एक बहुत बड़ा बबल है जो अभी बर्स्ट हुआ नहीं है, लेकिन मैं अपने लफ्ज़ों में तो कर चुका उसको। तो हो ये रहा है कि जनाब कोई अमेज़ॉन रिटर्न सरप्राइज बॉक्स मिस्ट्री बॉक्स वाला कोई गेम नहीं है, आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और वो इस कॉन्टेक्स्ट में बनाया जा रहा है कि आप लोगों को अपनी चीज़ें छाटी करके वो बेचते हैं, डब्बे में भर लेते हैं, और वो आगे कहते हैं जी मिस्ट्री बॉक्स है, या इसमें से आपको आईफोन भी निकलेगा, आईपैड भी, कुछ भी नहीं निकलता। सिर्फ अगर निकला भी ना तो वो आपको 6 साल पुराना, 8 साल या 10 साल पुराना ख़राब मॉडल निकलेगा, तो दैट्स नॉट यूजेबल फॉर यू, तो भूल जाएं इस बात को। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसके अंदर है कि शारजा में बहुत सारे लोग पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं उन वेयर हाउस और शेड में अपनी जगह, अपना ठिया बनाने के लिए, तो बराए मेहरबानी इनको भी अवॉइड करें, ये हरगिज ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो शेड वेड लगे हुए हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, वो लीगल नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से फ्री जोन कह लें या जो भी है, वो ओपन एरिया है, वहाँ पे कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी वजह से जिसको आप पैसे दे रहे हैं वो कल को बंद करके भाग गया तो आपको नहीं पता। दूसरी बात इसके अंदर इशू ये है कि वहाँ पर कस्टमर नहीं है, वो आप माल लेते जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर्मली हमें लुक्रेटिव लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर्मली हमें एक वो होती है ना फीलिंग आती है कि यार बड़ा मज़ा आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, मुझे कोई बड़ी चीज़ निकल आई तो मैं बड़ा मुनाफा बना लूँगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको काफ़ी काम की चीज़ उसमें नहीं मिलेगी, तो इसलिए इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें। और ऑनेस्टली बताऊँ तो अपने ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ बैठ के कोई बड़ा धंधा बनाऊँगा या मैं ऑनलाइन उस चीज़ों को लेके बेच लूँगा, तो मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैंने नहीं देखा, क्योंकि जो रिटर्न्स की आइटम्स आ रही है ना, वो रिटर्न्स का मतलब उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि मैंने ऐसे ही एक शुगल शुगल में टेस्टिंग के लिए प्रिंटर उठा लिया, उसने बोला था भाई इसके अंदर छोटा सा एक एरर आ रहा है, लेकिन कोई इतना बड़ा नहीं है, आप तो टेक्निकल आदमी है, आप उसको ठीक कर लेंगे। मैं कहा चल दे दे, वो प्रिंटर उठा के मैं ले आया, अल्टीमेटली वो प्रिंटर नहीं चला, क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, छोटा सा, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट वो पार्ट मिसिंग था। अब वो अमेज़ॉन से जहाँ से भी वो आइटम आया था वो पार्ट मिसिंग था, हो सकता है कस्टमर को ज़रूरत हो उस पार्ट की, और कस्टमर ने वो पार्ट बेसिकली मंगवाया प्रिंटर, उसमें से वो पार्ट निकाला, प्रिंटर को वापस पैक करके अमेज़ॉन को रिटर्न कर दिया कि भाई ये तो नहीं चल रहा, जबकि उसने अपना पुराना प्रिंटर उस एक पार्ट से बना लिया। ऐसा बहुत दफ़ा होता है, इनफैक्ट ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटर्न है ना उसमें कोई ना कोई नुक्स होगा, वो काम का नहीं होगा। अगर आप किसी कस्टमर को आगे बेच देंगे तो वो कस्टमर अल्टीमेटली ख़राब होगा, आपके पास आएगा रिटर्न लेने लेकर वापस के भाई ये तो आपके साथ प्रॉब्लम है। तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है, ये सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। सस्टेनेबल बिजनेस करने के लिए प्रॉपर कोई बिजनेस करना पड़ेगा, ये रिटर्न शिटर्न के चक्करों में बराए मेहरबानी ना पड़े। क्योंकि मैं खुद बड़ा इसके अंदर एक्साइटेड था शुरू में, मैंने कहा चलो यार इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे बड़ा सस्ता मिलेगा तो यहाँ से जाके बिजनेस करते हैं, लेकिन जितना भी एक्सप्लोर किया माजरत के साथ सिर्फ टोपियाँ हैं और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई धंधा नहीं बनता प्रॉपर। तो ना यहाँ पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, ना यहाँ से कोई बड़ी उम्मीदें लगाएं, अपना पैसा किसी अच्छे सरमाएकारी अच्छी जगह पे करें।